बराकर के बस स्टैंड में कांग्रेस के रहनुमा रवि यादव की निगरानी में एक यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर रियासत के दर्जनों लीडर मौजूद थे। इस मौके पर यंग स्टूडेंट ने कांग्रेस का परचम थामा और मीडिया से बात करते हुए उन लोगों ने कहा कि अब मुल्क कांग्रेस की तरफ देख रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस ही हुकूमत करेगी हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। न्यूज़ की टीम आज कांग्रेस में आज बड़ाकर में है और बड़ाकर में यहाँ कांग्रेस के एक प्रोग्राम चल रही है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कांग्रेस के जो यूथ प्रेसिडेंट है वो आए और इसी के दौरान हम लोगों ने देखा है कुछ यंग है जो स्टूडेंट है लेकिन डायनामिक है और ये लोग स्टूडेंट भी है। आज इन लोगों ने कांग्रेस का परचम थामा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि पॉलिटिक्स में अपने फ्यूचर को वो क्या कितना सिक्योर देख रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, क्या नाम हुआ आपका और जितने लोग उनके इंट्रोडक्शन आप दे दें। सारे BSK कॉलेज माइथन के NSUI कमेटी से है, मैं BSK कॉलेज माइथन अध्यक्ष NSUI और ये सारे मेरे कमेटी के मेंबर्स है, कुछ सचिव है, कुछ उपाध्यक्ष मनीष झा हमारे बीच है, विशाल झा है और आदित्य है, मोनू है, सब कमेटी के लोग हैं। ये लोग सब हमारे BSK कॉलेज माइथन NSUI कमेटी से सब बिलोंग करते हैं। आपने आज कांग्रेस का परचम क्यों थामा? कांग्रेस देखिए आज के टाइम पे अगर कोई कुछ कर रहा, जो भ्रष्टाचार चल रहा देश में, तो अगर उसके ऑब्जेक्शन में कोई नहीं रहता है तो एक अकेला आदमी पूरे देश पे राज करेगा, उसको रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जो आज गलत चीज़ें हो रही हैं देश में, अग्निपथ लागू हो गया स्कीम, कितना गलत हुआ है, सब छात्रों के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, इसके विरोध में कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ NSUI छात्र कांग्रेस, हम लोग सब छात्र कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो हम सब इसका मिलके विरोध करेंगे जो भी सरकार गलत करेगी। आज जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा सबके विरोध में सरकार है हमारे बीच। अपोजिशन वाली कह रहे कि कांग्रेस तो डूबती हुई जहाँ जा रहा आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो। नहीं, कांग्रेस डूबती भी नहीं जा रही है। आज आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं उसमें लाखों की भीड़ है, लाखों भी कम हो जाएगा। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए या कभी भारत जोड़ो यात्रा विजिट करके देखिए कितने लोग चल रहे हैं आज राहुल गांधी के साथ, और कोई उसमें ऐसा नहीं है कि पैसा दे के आ रहा, किसी को एक रुपया नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी लोग आज चल रहे हैं क्योंकि लोग को दिख रहा सामने कि क्या बेनिफिट आगे इन फ्यूचर आने वाला है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार 2024 में बनती है तो अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाएगा, और आज लोग इतने भीड़ के साथ चल रहे, कांग्रेस डूब नहीं रहा, कांग्रेस उभर रहा, नया कांग्रेस आने वाला है। आप देख सकते हैं एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक का पोजीशन सबका पद चेंज हो रहा, ऐसा नहीं है कि जो पद में है वही पद में रहेगा। जब राहुल गांधी के जगह पे सोनिया गांधी के जगह पे आज मुकुल राज खाड़गे जी हो गए हैं, शुरू से चेंज हो रहा तो पूरा नीचे तक चेंज हो रहा, और ये नया कांग्रेस आ रहा, पूरा कांग्रेस चेंज हो रहा। और बंगाल में जो सरकार चल रही है इसके बारे में क्या बोलेगा? बंगाल में जो सरकार चल रही है इसके बारे में क्या ही बोला जा सके, अभी तो इतना कुछ बोले ही कि झालमुड़ी बेच के आदमी करोड़पति बन जाएगा, तब तो हो गया, सब तो मोदी जी नहीं ना कि चाय बेच के आदमी PM बन जा रहा, सब तो नहीं ना है। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? पॉलिटिक्स में देखिए हमारे कॉलेज में बहुत सा समस्या था जो मेरे आने के बाद उनको हम सॉल्व कर दिए हैं, तो हम पॉलिटिक्स इसी वजह से ज्वाइन किए कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं हमें जो प्रॉब्लम फेस हो रहा हम उस प्रॉब्लम को सबसे पहले निपटारा कर देंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देंगे, इसलिए हम लोग राजनीति से जुड़े हैं। अच्छा, बेसिकली अगर स्टूडेंट की बात की जाए क्या प्रॉब्लम अभी है जो एक बर्निंग इशू है? सबसे बड़ा कॉलेज का प्रॉब्लम है, कॉलेज में लाइट नहीं रहता, प्रिंसिपल ऑफिस में 5-5 पंखे चल रहे हैं और छात्र जिसमें क्लास दे रहा, जिसमें एग्ज़ाम हो रहा, उसमें एक भी पंखा नहीं, एक भी लाइट नहीं, खिड़की खुला हुआ है, खिड़की से जो लाइट आ रहा उस पर स्टूडेंट पढ़ रहा, ऐसे तो पढ़ाई होता नहीं है। आप फीस ले रहे हर चीज़ का, कॉलेज में टीचर्स की कमी है, ये सब प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम। आंदोलन कर रहे तो लाइट आया? लाइट का हम लोग प्रपोजल दे दिए हैं, 65 लाख का प्रपोजल पास हो गया है, वो गया है राज्य सरकार के पास, जिस दिन वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है पूरे कॉलेज में लाइट आ जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद तौसीफ इमाम। अच्छा, आप अभी किस स्ट्रीम में पढ़ते हो? मेरा अकाउंट्स ऑनर्स। अच्छा, कौन सी कॉलेज है? BSK कॉलेज। आपने आज कांग्रेस की ज्वाइन किया? देखिए सब कोई छात्र ज्वाइन कर रहे थे और अच्छा भी लगा इसमें जान, क्योंकि भैया है हमारे साथ तो हम लोग हैं उनके साथ, इसीलिए मैंने जहाँ भैया रहेगा वहीं आप लोग रहेगा, भैया रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। भैया की अच्छाई क्या है? भैया की अच्छाई कि भैया की बहुत ही अच्छाई है, एक बोले तो कम पड़े, बहुत ही अच्छाई है। इनको फ्यूचर का नेता मान सकते हैं? हाँ, फ्यूचर का नेता मान सकते हैं, ये आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इनके साथ रहेंगे। चलिए, आप क्या नाम हुआ? चंदन कुमार यादव। आप किस क्लास में पढ़ते हो? हम सेमेस्टर 4 में इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा,
आपने क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन किया? पॉलिटिक्स हम इसलिए ज्वाइन किया, मेरे भाई ने ज्वाइन किया, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनके वजह से, हम लोग सब जो समस्या सबके सामने ला रहे हैं सॉल्व हो रहा है, इसीलिए हम लोग सब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। कांग्रेस में, कांग्रेस में क्या फ्यूचर देख रहे हो? फ्यूचर बस यही सबको सपोर्ट कर, जो अच्छा हो रहा सब तो ऐसे बस कुछ कर नहीं रहा, अब क्या पता इसको लाने से कुछ अच्छा हो, इसीलिए हम लोग सब साथ में हैं। चलिए, हमारे साथ चुके ये जो स्टूडेंट है ये भी देश के फ्यूचर होते हैं, जाहिर सब मत जब यंग अच्छे होंगे तो देश भी अच्छा होगा। और ऐसे ही एक डायनामिक नेता हमारे साथ है, सर क्या नाम हुआ आपका? मनीष झा। अच्छा, आज हम आपने भी आज कांग्रेस का परचम थामा, आपने कांग्रेस की ज्वाइन किया? मेन दिक्कत है रोजगार, जो अभी की जो सरकार है मोदी सरकार, ये स्टूडेंट के लिए मतलब कुछ काम नहीं कर रहा, 0% रोजगार देने का बात था, 2 करोड़ रोजगार देने का बात था, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसी के विरुद्ध में हम लोग आज कांग्रेस दमन थामे हैं, रोजगार मेन रोजगार, मोदी सरकार मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ है ही नहीं, छात्र का समस्या सुन रही है मोदी सरकार। अच्छा, हम लोग देखें कि आप लोग जब आए एक डायनामिक तरह था, काफ़ी स्टाइल में आए, लेकिन आप लोग अंदर बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग अंदर बहुत मिलनसारी है, यूनिटी और काफ़ी इकट्ठा हो, ये कैसे कर लेते हो? ये सब अपनों का प्यार है बस, भाई के साथ है, सब लोग साथ साथ के हैं, सब स्टूडेंट हैं, छात्र एकता जिंदाबाद। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर में टीचर। अच्छा सर, लास्ट सवाल है कि जो लड़के अभी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज है? आप पॉलिटिक्स से जुड़िए, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स गंदा ही चीज़ है, लोग का आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स हो रहा उस पर लोग को मेंटेलिटी हो गया है, और ये सच बात है कि जो करंट का पॉलिटिक्स है वो गंदा है, पूरा गंदा पॉलिटिक्स अभी चल रहा, तो हमको पॉलिटिक्स ज्वाइन करके इसको सुधारना है, एकदम सही करना है। अगर बोला जाए, आदमी बोलता है कि किसी एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारे सामने महात्मा गांधी जी है जो अकेले चले थे और उनके पीछे पूरा देश चला था, यही बात है। ऐसा नहीं कि कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता, आज राहुल गांधी भी चल रहे हैं, उनके साथ लाखों की भीड़ चल रही है, और बदलाव आएगा ज़रूर। राहुल गांधी चल रहे हैं, लाखों की भीड़ चल रही है, ये सब क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? ज़रूर कन्वर्ट होगा, कोई भी लोग अगर 30 किलोमीटर पूरा दिन का चल रहा, कोई 30 किलोमीटर नहीं चलेगा कंटिन्यू, आज 60 दिन के अप्रॉक्स हो गया है, एक्यूरेट तो नहीं याद आ रहा, 60 दिन के अप्रॉक्स हो गया, 60 दिन से लाखों की भीड़ चलेगी क्या साथ में? इतना किस सरकार के पास पैसा है कि वो लाखों को पैसा दे के अपने साथ रखे? किसी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, तो प्यार है और आदमी का मतलब वो दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी आए इन फ्यूचर, इसलिए आज लाखों की भीड़ उनके साथ चल रही है। कल हिमाचल में इलेक्शन है, उसके बाद गुजरात का इलेक्शन है, पूरी दुनिया की निगाह इस दो इलेक्शन पर टिकी हुई है, कांग्रेस कैसा करेगी? कांग्रेस पहले से तो बहुत बेहतर करेगी, हिमाचल में भी बहुत बेहतर करेगी, हिमाचल में तो ये तक बोल दिया गया है कि अगर सरकार आती है तो किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा, गुजरात का अभी अपडेट नहीं है। चलिए, हमारे साथ थे ये यंग हैं, डायनामिक है, एजुकेटेड है, आपने इनके हौसलों को देखा, इनके तेवर को देखा, और जाहिर सी बात है कि ये जो स्टूडेंट है ये भी चाहते हैं कि अपना देश आगे बढ़े, अपने देश का मुकाम पूरी दुनिया में बुलंद हो। कैमरामैन के साथ खुर्शीद, न्यूज़लैंड 24।